आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रीफ के बारे में, ठीक है। अगर हम एक जनरली मीनिंग देखें, ग्रीफ का मतलब होता है किसी भी एक लॉस के बाद उसके खो जाने का गम मनाना, ठीक है। हिंदी में अगर हम समझें कि किसी एक चीज़ के खो जाने के बाद उसके लिए परेशान होना, उसका गम मनाना, ठीक है। डेफिनेशन, ग्रीफ इज डिफाइंड एज द इमोशनल प्रोसेस ऑफ कोपिंग विद अ लॉस। लॉस कैन बी डेथ ऑफ लव्ड वन, डाइवोर्स, लॉस और जॉब। ग्रीफ का मतलब होता है इमोशनल प्रोसेस ऑफ कोपिंग विद द लॉस, मतलब ग्रीफ एक इमोशनल प्रोसेस होता है जिसमें हम जो लॉस हुआ है उससे कोप अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा लॉस कुछ भी हो सकता है, किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है, जॉब का चला जाना हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है कपल का, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रीफ, मतलब हमारे ग्रीफ दो तरीके का होता है। सबसे पहला आएगा हमारा एंटीसिपेटरी ग्रीफ, ग्रीफ ड्यू टू एक्सपेक्टिंग अ मेजर लॉस इन नियर फ्यूचर। एंटीसिपेटरी ग्रीफ का मतलब होता है कि उस चीज़ का ग्रीफ करना जो लॉस होने वाला है फ्यूचर में, हमें पता है होगा, जैसे कि किसी एक लव्ड वन की डेथ, जैसे कि मान लो कोई एक पेशेंट है फैमिली में जिसको टर्मिनली इल डिजीज है, जैसे एक कोई डॉटर है उसके फादर को कैंसर है, तो अब वो उस चीज़ का ग्रीफ करेगी, ठीक है। उसको पहले से ही पता है कि उसका लास्ट जो एंड है वो डेथ ही है, तो वहाँ पे उसे ग्रीफ होगा उस चीज़ का, ठीक है। सेकेंड हमारा आएगा कन्वेंशनल ग्रीफ, इट इज एसोसिएटेड विद द ग्रीफ दैट इज एक्सपीरियंस फॉलोइंग अ लॉस। कन्वेंशनल ग्रीफ का मतलब है जो लॉस हुआ है उसके लिए हमें ग्रीफ करना, उसके लिए हम ग्रीफ बिलीव करें, वो हमारा कन्वेंशनल ग्रीफ होता है, ठीक है। जैसे किसी की डेथ हो चुकी है उसके बाद उसके लिए गम मनाना, उसके लिए ग्रीफ करना, वो हमारा कन्वेंशनल ग्रीफ होता है। सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ, मतलब जो लोग ग्रीफ करते हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, क्राइंग, साइंग, रेस्पिरेशन, डिस्निया, पाल्पिटेशंस, फटीग, वीकनेस एंड एग्जॉशन, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, चोकिंग सेंसेशन, चेस्ट टाइटनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आएगा इंटेंस लोनलीनेस, सैडनेस, एंग्जाइटी, पैनिक एपिसोड्स, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, डिसोरिएंटेशन, एंगर, एम्बिवेलेंस एंड लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ग्रीफ, हमारी सबसे पहली थ्योरी है कुबलर एंड रॉस की थ्योरी, बोथ है परफॉर्म रिसर्च विद टर्मिनल पेशेंट आइडेंटिफाइड फाइव स्टेजेस। कुबलर एंड रॉस ने टर्मिनल पेशेंट्स पे रिसर्चेस की, उसके थ्रू उन्होंने फाइव स्टेजेस आइडेंटिफाई की थी हमारे ग्रीफ की। सबसे पहले आएगी हमारी स्टेट डिनाइल, स्टेज ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ, रिस्पॉन्स विल बी नो, इट विल नॉट बी ट्रू। यहाँ पे क्या करता है, जो पेशेंट होता है वो शॉक में रहता है कि मतलब यहाँ पे उसका जो रिस्पॉन्स होगा कि उसको ये नहीं हो सकता, ये गलत है। मान लो कोई अगर पेशेंट से डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपकी डेथ होने वाली है, आपके पास कुछ ही समय, तो उस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं, नो इट विल नॉट बी पॉसिबल, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड हमारा आएगा एंगर, वाई मी एंड इट इज़ नॉट फेयर, एंगर डिस्प्लेस ऑन गॉड लवर्स एंड केयर गिवर। स्टेज टू में क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट गुस्सा करेगा, मतलब कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की थी, मैंने तो कभी कोई गलत काम ही नहीं, इस तरीके की बातें जब पेशेंट बोलता है तो मतलब वो गुस्सा कर रहा है, और उस गुस्से को वो भगवान पे डिस्प्लेस करेगा और दूसरे लोगों पे डिस्प्लेस करेगा। तीसरी स्टेज हमारी आती है बार्गेनिंग, इफ गॉड विल हेल्प मी आई विल गो टू चर्च एवरी संडे एंड वॉलंटियर माई टाइम टू हेल्प अदर्स। स्टेज थ्री बार्गेनिंग का मतलब होता है भगवान से बार्गेनिंग करना, जैसे कि मतलब भगवान अगर मुझे बचा लेगा तो मैं गरीबों में चादर बांटूंगा, भगवान मुझे बचा लेगा तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, इस तरीके की बातें करना, भगवान से बार्गेनिंग करना। स्टेज फोर हमारा आएगा डिप्रेशन, द फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे उसको पता चल चुका है कि उसको लॉस होना ही होना है, अब यहाँ पे वो डिप्रेस हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, एकदम दूर हो जाएगा, दुनिया एकदम आइसोलेट कर लेगा अपने आप को। स्टेज फाइव हमारी आएगी एक्सेप्टेंस, यहाँ पे वो मान लेगा कि हाँ लॉस हुआ है या लॉस होगा, हम उसको नहीं रोक सकते, वो टोटली एकदम उस चीज़ को मान चुका है, ठीक है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीफ उसका ख़त्म हो चुका है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहला डिनाइल हमारा कि एकदम मना कर देना, फिर सेकंड हमारा एंगर गुस्से में, थर्ड बार्गेनिंग मतलब कि हमें ये गलत हुआ मेरे साथ, मैं ऐसा करूँगा, मेरे साथ हो जाए, ठीक है, डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस। सेकंड हमारा थ्योरी है जॉन बाउलबाई की, उन्होंने फोर स्टेजेस दी थी, पहली स्टेज नंबनेस और प्रोटेस्ट, सेकंड डिसइक्विलिब्रियम, थर्ड डिसऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ रीऑर्गेनाइजेशन। हमारे थर्ड थ्योरी दी थी वर्डन ने,
इट व्यूज द बिलीव एज एक्टिव एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग रादर देन पैसिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रीफ प्रोसेस। वार्डन के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन बिलीव करता है वो हमारा एक एक्टिव और सेल्फ डिटरमाइनिंग पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, ग्रीफ प्रोसेस में। और उन्होंने ग्रीफ प्रोसेस के कुछ टास्क बताए थे, अराउंड 4 टास्क हैं। सबसे पहला एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ लॉस, दूसरा वर्किंग थ्रू द पेन ऑफ ग्रीफ, तीसरा एडजस्टिंग टू एन एनवायरमेंट दैट हैज चेंज बिकॉज ऑफ लॉस, चौथा इमोशनली रिलोकेटिंग दैट विच हैज़ बीन एंड मूविंग ऑन विद लाइफ। सबसे पहला लॉस को एक्सेप्ट कर लेना, दूसरा उससे जो पेन प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ काम करने की वो अडेप्ट करना अपने आप को, तीसरा उस लॉस के होने के बाद अपने आप को एडजस्ट करना एनवायरमेंट में, और लास्ट हमारा आएगा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना और लाइफ में मूव ऑन करना। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया ग्रीफ के बारे में, थ्योरीज ऑफ ग्रीफ के बारे में। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।